आपने टीवी और फिल्मों में कई सुपर हीरो देखे होंगे आप जानते हैं कि ये नकली है। और ग्राफिक रूप से संपादित किए गए हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह वास्तव में असली हो सकते हैं आप कहेंगे असंभव है है ना लेकिन आपको बताती हूं कि यह सच भी हो सकता है आपको विश्वास नहीं होगा कि इन लोगों के पास कुछ सुपर पावर है क्या आप इनके बारे में जानना चाहते हैं लेकिन रुके हम भारत में हैं और सुपर पावर वाले ये लोग हैं है। है? है जिनके पास कुछ अद्भुत सुपर पावर है मनोज चोपड़ा को एशिया का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता है उनका कहना है कि उनके पूर्वज जैसे उनके पिता दादा, दादा पर दादा सभी पंजाब से थे और उन्हें पंजाबी खाना खाने की आदत है जो उनके स्वास्थ्य का कारण बन गया है अपने नाश्ते में वह दो या चार नहीं बल्कि बाईस अंडे छह मोटे पराठे चावल दूध और दो लीटर फलों का जूस शामिल करते हैं इसलिए वह इतने ताकतवर और प्रसिद्ध है उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के चौदहवें सबसे ताकतवर व्यक्ति का स्थान दिया गया है वह कई अलग अलग खेलों में कौशल्य वाले एक खिलाड़ी हैं और विश्व प्रसिद्ध है ज्योति राज एक बेहद कुशल व्यक्ति है आपको उनकी सुपर पावर पर यकीन नहीं होगा ज्योति राज का जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ था ज्योति राज फ्री सोलो रॉक क्लाइंबर है लोग आमतौर पर किसी भी चोट को खुद से बचाने के लिए सेफ्टी हार्नेस और रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ज्योति राज बिना रस्सियों के ऊंची ऊंची चट्टानों पर चढ़ जाते हैं लोग उनके इस हुनर के कायल है। उन्हें मंकी मैन की उपाधि अर्जित की गई है उनकी सुपर पावर बहुत ही अनोखी है वह इसके साथ पैदा हुए थे उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कभी विशेष भोजन नहीं करना पड़ा उन्हें कर्नाटक में ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किले की दीवारों पर चढ़ाई की है जब लोग उनसे पूछते हैं कि क्या वह किसी अवार्ड के लिए ऐसा करते हैं उन्होंने कहा कि वह किले में आने वाले पर्यटकों के मनोरंजन के लिए दीवारों पर चढ़ते हैं अजीब है ना राजमोहन नायर कुछ भी हो लेकिन साधारण नहीं है आप शायद सोच रहे होंगे कि कैसे यह आदमी शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए बिना अपने शरीर से गुजरने वाली कई बिजली का सामना करने में सक्षम है आम पर जब लोगों को बिजली का झटका लगता है तो उनके हाथ आदि जल जाते हैं लेकिन राजमोहन को ऐसा कुछ नहीं होता है अपनी अनूठी महाशक्ति के कारण उन्हें विद्युत मोहन या इलेक्ट्रोमैन भी कहा जाता है नंदना उन्नी कृष्णन एक नौ वर्षीय भारतीय लड़की है जो वर्तमान में यूएई में रह रही है वह एक ऑटिस्टिक लड़की है जो एक मनोवैज्ञानिक तकलीफ है जो सामाजिकरण और बातचीत करने की क्षमता को बाधित करती है लेकिन उसके पास एक सुपर पावर है जब लड़की की मां तनाव में होती है लेकिन व्यक्त नहीं करती तो छोटी सी ये लड़की अपनी माँ के मन की बात पढ़ लेती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है स्वयं को एक मनोवैज्ञानिक समस्या होने के बावजूद वह अपनी माँ के मन को पढ़ने में सक्षम है वह बहुत छोटी और भाग्यशाली है अकृत जसवाल एक बहुत ही बुद्धिमान युवा लड़का है भारत में 145 करोड़ से अधिक लोगों के देश में उसका आईक्यू सबसे अधिक है अकृत जायसवाल जैसा कोई नहीं है उसका आईक्यू 146 है जहां एक भारतीय वयस्क का औसतन आईक्यू क्यू होता है साथ ही स्टीफन हॉकिंग जिन्हें दुनिया का सबसे चतुर व्यक्ति माना जाता है उनका आई क्यू था आप सोच रहे होंगे कि यह अभी भी हॉकिंग से कम है लेकिन वह एक बच्चा है जबकि हॉकिंग एक वयस्क है वह 146 का आई.क्यू. रखने वाला एकमात्र व्यक्ति है अकृत तब लोगों के ध्यान में आया जब साल 2000 में सात साल की उम्र में उसने एक आठ साल की बच्ची का इलाज किया जिसके हाथ आग में जल गए थे लड़की की उंगलियां एक तंग मुट्ठी में बंद हो गई थी जो नहीं खुल रही थी परिवार डॉक्टर का खर्च नहीं उठा सकता था फिर सात साल के अकृत ने उसका इलाज किया उसने अपनी उंगलियां खोली और वह फिर से अपने हाथ का उपयोग कर पाई लोग हैरान थे कि अकृत ने बिना किसी औपचारिक चिकित्सा प्रशिक्षण और बिना किसी अनुभव के लड़की का इलाज किया लड़की पहले अपना हाथ नहीं खोल पाती थी और अब वह कर सकती थी उसके बाद उसे भारत में अपनी उम्र का सबसे चतुर व्यक्ति माना जाने लगा ये असली लोग हैं ना कि कोई किरदार कितने भाग्यशाली है